अमीना, सारी चाय जल गई है, कहाँ हो तुम? अमीना, 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 क्या हुआ है? अमीना, 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 उठो, क्या हुआ है? मुझे लग रहा है मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे मोहल्ले में ना एक खाला किश्वर थी, उनकी बेटी को भी ना ऐसी कोई बीमारी हो गई थी। मुझे लग रहा है मुझे खाला किश्वर की बेटी वाली बीमारी लग गई है। मैं तो नहीं बचूंगी अब, मैं भी मर जाऊंगी वरना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो भाई, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, नहीं मरती तुम। यहाँ शहर में आई हो ना, यहाँ की आबो हवा तब्दील हुई है, पानी तब्दील हुआ है, खाना तब्दील हुआ है, इस सारी चीजों की वजह से सिर्फ पेट खराब हुआ है और कुछ नहीं। हाँ तो खाला किश्वर की बेटी का भी पेट खराब हो गया था, वो मर गई थी। अरे अच्छा, खाला किश्वर की बेटी पेट खराब होने की वजह से मरी थी? और क्या, चार और क्या उम्र थी उसकी? तो माह। तुम 4 माह की हो जो पेट खराब होने की वजह से मर जाओगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं बचूंगी अब, अगर मैं मर गई तो। ओहो भाई, नहीं मरती तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फर्ज करें ना आप, अगर मैं मर गई तो क्या करेंगे? क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तुम्हारे कुल पड़वाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। मुझे पता है आप सबसे पहले ताइका से शादी करेंगे या फिर अपनी उस हमसे मात हजरा से। अच्छा, बड़ा पता है तुम्हें मेरे प्रोग्राम के बारे में। फिर तो तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना चाहिए, है ना? चलो अब चलें डॉक्टर के पास। इस वक्त वो बहुत देर हो गई है, सुबह चलेंगे। देखा, यही तो खराबी है तुम में। जब भी तुमसे बात करता हूँ जरूर उसके मुखालिफ खड़ी हो जाती हो, मजाले कभी बात मान ली हो। तो आप ही तो देखे ना क्या बोल रहे हैं। अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए कपड़े तब्दील करने पड़ेंगे, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो घर में ढंग के कपड़े पहन के रखा करो ना। सामने वाली साइका को देखा है, हर वक्त तैयार रहती है। देखते हद हो गई अमीना, हद हो गई है।